नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर जो मंथली कैंडल में हम लोगों को शूटिंग स्टार मिल चुका है ये शूटिंग स्टार को साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंटरप्रेट करना है इस पॉइंट के ऊपर बड़े प्लेयर का सोच किस तरीके से रहेगा रिटेल ट्रेडर यहाँ पर क्या सोच रहा है और हम दोनों को इनके सोच के साथ क्लब कैसे करना है मतलब किस तरीके से हम लोग अपनी सोच को इनके साथ सिंक कर सकते हैं तो हमारा जो सक्सेस रेट है वो यहाँ पर बढ़ सकता है तो प्राइज़ एक्शन पहले सीखेंगे और फिर उसके बाद टाइम एनालिसिस करके देखेंगे

सपोर्ट उन्नीस हज़ार का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है ये क्रूशियल लेवल क्यों है तो पहला प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल हम लोगों के लिए निकल करके आ रहा है सेकंड जो है अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पर पुट की साइड में वन ऑफ द हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है तो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा प्लस ये एक राउंड लेवल होने के कारण यहाँ पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो इंपैक्ट भी आने वाला है तो जब तक तक मार्केट उन्नीस हजार के ऊपर रहेगा हम लोग ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को अपट्रेंड में कह सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में कब आ सकता है अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज देता है वीकली कैंडल कैंडल के के ऊपर ऊपर या डेली तो मार्केट में फिर नेक्स्ट विंडो जो खुल जाएगा वो सत्रह हजार दो सौ तीन सौ तक का नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा क्योंकि इन बिटवीन ज्यादा कुछ बड़ा हर्डल हम लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे एक सिंगल पैंडल का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा तो इसमें आपके बहुत से साइकोलॉजी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को यह समझनी है कि जब भी एक ट्रेड होता है वहां पर एक बायर रहता है और वहां पर एक सेलर रहता है तो इसमें से आपको निकालना है कि कौन से साइड में मार्केट का फोर्स ज्यादा दिखाई दे रहा है तो अगर आप एक सिंगल कैंडल का एनालिसिस करते हो तो यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहता है उसी के साथ साथ हाई और लो भी इंपॉर्टेंट रहता है अगर इस कैंडल का आप स्ट्रक्चर देखते हो तो टेक्निकल लैंग्वेज में इस कैंडल को शूटिंग स्टार बोला जाता है अभी ये शूटिंग स्टार स्ट्रक्चर

अपट्रेंड में पॉज लगने के बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो बेरिस इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है इसका लो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा तो यहाँ पर फर्स्ट लास्ट वीक में हम लोगों को यहाँ पर एक बेरिश इनगल्पिंग कैंडल पैटर्न मिल चुका था ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों के लिए हो चुका सेकंड अगर आप देखोगे तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो चुका है ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बता रहा है इसके पीछे का रीज़न यह है कि इनिशियली मार्केट में बायर लोगों ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर पर दोबारा सेलर लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे लेके आए और नीचे आने के बाद उन्होंने जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो प्रीवियस हाईएस्ट क्लोज के नीचे का क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है तो ये दोनों नेगेटिव सेंटिमेंट अगर हम लोग प्राइज एक्शन में कंसिडर करते हैं तो ओवरऑल प्राइज एक्शन का कंक्लूजन ये निकल करके आ रहा है कि मार्केट फिलहाल के लिए निगेटिव सेंटीमेंट में बन चुका है अब ये निगेटिव सेंटिमेंट एक्चुअल में वर्क कब होगा मतलब हम लोगों को जो बींग ऑप्शन बायर चाहिए वो एक पैनिक सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए तो पैनिक सेलिंग कहां पर स्टार्ट होगा यह पहले समझने की कोशिश करते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैनिक पैनिक सेलिंग सेलिंग होता होता कब है है इसको पहले समझ लेते हैं का मतलब ये होता है कि मार्केट में ऑफ द पार्टिसिपेंट जो है वो अपने सेल के ऑर्डर अगर पंच करते हैं तो उसकी वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग आता है तो पैनिक सेलिंग में इंपॉर्टेंट यह है कि मेजोरिटी ऑफ द पोजिशन होल्डर जो है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए प्लस हम लोगों को मार्केट में फ्रेश सेलिंग भी दिखना चाहिए जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में फर्म होता है अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा को कैसे रीड करना है यह समझना है तो उसके लिए आप मेरा फ्री वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा अभी यहां पर आप देखोगे तो जिन्होंने भी ऊपर वाले रेट पर यहां पर नीचे वाले रेट पर बाय करके होल्ड किए रहेंगे उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है और जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने अपने पोजिशन को ट्रेलिंग

ते हैं कि वीकली चार्ट में हम लोगों को किस तरीके का सैनरियों यहां पर दिखाई दे रहा है अभी आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है तो वीकली चार्ट में ये उन्नीस का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में एक स्ट्रांग बाइंग स्टार्ट हुआ था और स्ट्रांग बाइंग के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीट एक सेंटीमेंट चेंज वाला कैंडल हम लोगों को दिखाई दे रहा है लेकिन जो लास्ट वीक हम लोगों को देखने को मिल चुका है यहाँ पर ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुआ है तो एक दो टाइप का कैंडल पैटर्न बन चुका है ये हम लोगों को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मार्केट में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा ट्रिगर पॉइंट के लिए ट्रिगर पॉइंट कहाँ पर आएगा जब ये दो जी कैंडल का लो ब्रेक होगा या ऊपर की साइड में हाई ब्रेक होगा तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा इस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को डेली चार्ट में कैच करना है जो हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट में मंथली चार्ट में जिस तरीके का अपसाइड का मोमेंटम हुआ था उसके बाद मार्केट का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ कम होते जा आ रहा है यहां पर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई को निकलने के बाद भी मार्केट में रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था अभी दोबारा मार्केट जो है इस लेवल के करीब आ चुका है तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल कौन सा होगा एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रीवियस वाला जो हाई बन चुका था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल होगा इस हाई के करीब मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी होने की आशंका है तो ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया ये वाला सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में डाउनफॉल दिखाया हुआ आता और इसी लेवल के करीब जब भी मार्केट आता है तो यहाँ पर बायर लोग एक्टिव होते हैं लेकिन ये जो बायर है ये अभी ट्रैप होने की कगार पर है इस पॉइंट को आप समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट है जब भी मार्केट में कौन से भी सपोर्ट या रजिस्टेंस लेवल के करीब बायर लोग एक्टिवेट होते हैं तो बायर लोगों का जो फर्स्ट फर्स्ट फोर्स में मार्केट को ऊपर लेके जाने का तरीका रहता है वो हमें इंडिकेट करता है कि आने वाला मोमेंटम कितना सस्टेन हो सकता है तो फर्स्ट टाइम यहां पर बायर यहां पर इंटर हो गए लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं लेके आए सेकंड टाइम में जो बायर इंटर हो गए उन्होंने सिर्फ जो सेलिंग आ रहा था उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थर्ड टाइम जब यहां पर बायर हो हो गए तो ये कंप्लीटली फेल चुके हैं इस पॉइंट को आप समझ लीजिए पहले, पहले आटेम में मार्केट ने बायर लोगों की जीत हो गई सेकेंड अटैम्प में जो है था वो मार्केट लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेलर को स्टॉप करने की कोशिश की उसमें वो कामयाब हो गए लेकिन यहां पर कंप्लीटली बायर लोग फेल हो चुके हैं तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा हम लोग लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो हाई प्रोबेबलिस्टिक बन जाएगा तो ये वाला जोन जो है वो हमारे लिए क्रूशियल जोन निकल करके आ रहा है ये हो गया मंथली चार्ट का एनालिसिस अभी चल लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद मुझे बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन चुका है मैं अभी आपको दोबारा उस चार्ट पैटर्न के बारे में बताता हूँ जब भी हम लोग प्राइज एक्शन का एनालिसिस करते हैं तो पर्टिकुलरली प्राइज़ एक्शन में जब भी हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में सोचते हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि चार्ट पैटर्न जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं एक चार्ट पैटर्न जो बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला चार्ट पैटर्न और दूसरा जो रहता है उस चार्ट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं जो हम लोगों को ट्रेंड चेंज बताता है तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बन चुका है एक ट्रेंड चेंज वाला चार्ट पैटर्न बन चुका है अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम के एक हाई बनाया फिर मार्केट नीचे आ गया और फिर एक रिकवरी के बाद दोबारा मार्केट ने दूसरा हाई बनाया तो ये जो दो हाई यहाँ पर बन चुके है ये हम लोगों के लिए जो चार्ट पैटर्न बना रहा है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है डबल टॉप लाइक चार्ट पैटर्न तो हम लोगों को एक डबल टॉप लाइक चार्ट पैटर्न यहां पर देखने को मिल चुका है तो आने वाले समय में जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है अभी ये मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि मीन वाइल हम लोगों को कोई भी बड़ा हर्डल नहीं है चालीस हजार के लेवल के तक तक तो ये इंपॉर्टेंट हम लोगों को ट्रेंड चेंज का पॉइंट मिल गया तो अभी वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज का सिग्नल हम लोगों को दे दिया है लेकिन वो सिग्नल का कंफर्मेशन इसी लेवल के नीचे जब मार्केट आ जाएगा तभी हो जाएगा अभी देख लेते हैं कि मार्केट में हम लोगों को इस सिंगल कैंडल का एनालिसिस क्या बता रहा है ये सिंगल कैंडल जो है वो एक दो टाइप कैंडल यहाँ पर बन चुका है तो दो टाइप कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन एज ए न्यूट्रल कैंडल पैटर्न होता है उसके हाई लो को सिंपली आपको मार्क करके रखना है और बड़ा ट्रेडिंग एक्टिविटी इस लेवल के बाद ही हम लोग लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट में हम लोगों को बहुत सारे क्लूज यहाँ पर मिल रहे हैं इस डेली चार्ट के क्लूज को हम लोगों को एनालिसिस में डीपली समझना पड़ेगा तो कल के सेपरेट वीडियो में मैं क्या करूँगा आपको टाइम एनालिसिस भी बता दूंगा और डेली चार्ट का एनालिसिस भी बता दूंगा तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में थैंक यू वेरी मच